नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान रायपुर पश्चिम विधानसभा पहुंचे। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को आवश्यक निर्माण कार्यों और विकास कार्यों एवं सामाजिक संगठन को सौगात दी। वहीं इस सौगात और विकास के लिए विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द होने से सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि विज्ञापन में चलने वाली ट्रेनों को हर रोज हरी झंडी दिखा रहे हैं, जबकि 100 पटरियों पर चलती हैं उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, आखिर कब तक जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जगदलपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने जिले में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में यह समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय को उनको पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवहारों और मूल स्वभाव को बनाए रखते हुए उनके विकास के संबंध में आवश्यक प्रयास करने की आवश्यकता है। इन योजनाओं के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास किया जा रहा है। जगदलपुर में शादी समारोह में एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शादी में तिलक समारोह चल रहा था, जहां अचानक बिजली चली गई। इसी बीच मंडप पर बैठे दूल्हा और दुल्हन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। इस अटैक में दूल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि आसपास खड़े अन्य लोग भी झुलस गए। अटैक में घायल लोगों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस अटैक में 7 महिलाएं समेत 12 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी की तलाश शुरू की जाएगी। सर, टिकन होने के बाद में क्या हो गया, तो पीछे से कुछ डाल दिए तो पता ही नहीं चला क्या है, तो नहीं मिला सर। कितने लोग थे? मतलब बहुत लोग थे, लेकिन हम लोग माँ, मैं, भाभी और 3 जन थे हम लोग ना, बैठे थे मंडप में। तो इधर दुल्हन के वाले बाजू उधर वाले बैठे थे, तो दुल्हन भी, उसको भी जलन हो गया, उसको भी पता नहीं, लेकिन नहीं देखे सर वो लोग को। हम लोग कल रात को भानपुरी जो मैटर में कुछ बताएंगे डिटेल। एक गांव है छोटे अमावल, थाना भानपुरी का गांव है। यहां पर कल एक युवक युवती का शादी समारोह था और शादी समारोह के दौरान लाइट चली गई थी। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक एसिड जैसा केमिकल स्प्रिंकल कर दिया, जिससे कि जो युवक युवती है उनको भी इंजरी हुआ और साथ ही जो शादी समारोह में शामिल थे 8-10 लोग उनको भी छींटे पड़े थे उसके। सभी को प्राथमिक उपचार किया गया है और इस पूरे प्रकरण में थाना भानपुरी में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और यथाशीघ्र आरोपी को अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो 12 लोग और 2-4 साल का एक बच्चा घायल हुआ, उन लोगों की स्थिति अभी कैसा है? सभी को बहुत माइल्ड छींटे लगे थे और प्राथमिक उपचार के बाद वो सभी अपने घर गए। थैंक यू। जगदलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक कोई भी प्रदेश की जनता के समक्ष जाने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, वो केवल आम जनता के साथ छल करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी विधायक और सांसद से आम जनता का विश्वास उठ चुका है। आगामी चुनाव में कांग्रेस का बहुमत के साथ सरकार में आना अब मुश्किल लग रहा है। आगे मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के टिकट वितरण प्रणाली पर उन्हें संदेह है। इसका भी ये बयान आना कि अब जो टिकट वितरण होगा वो सर्वे के आधार पर होगा, कभी उनका ये कहना कि जो जीतने वाला होगा उसे टिकट दिया जाएगा, कभी ये कहना कि टिकट तो आलाकमान तय करेगा, ये इस बात को साबित करता है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक तक सब आज जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। और पूरा जब कांग्रेस का भी ये बयान आना कि अब जो टिकट वितरण होगा वो सर्वे के आधार।
बीजापुर में हुए नक्सली हमले को पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने काल्पनिक एवं फर्जी होने की शंका जताई, जिस पर बस्तर प्रभारी मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नक्सली हमले पर राजनीति अच्छी बात नहीं, इस प्रकार की राजनीति गिरे हुए लोग करते हैं, भाजपा अपने स्टारहीन होने का प्रमाण देती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है, बस्तर IG एवं अन्य पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा के विषय पर चर्चा की जा रही है ताकि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार IG, DG, SP आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, पहले सुरक्षा, पहले जान। अगर सुरक्षा कोई कारणवश SP नहीं देता है, कोई कारणवश अगर थानेदार मना करता है, उस बातों को सबको लेके चलना है, जान पहले है, अन्यथा गिरी बात भी। और गृह मंत्री कहते हैं कि सुरक्षा ताकीद को तकाजा करते हुए उन्होंने बाइकाट करते हुए जाके वापस आया था जब घटना हुआ। शाम को देखते हैं कि विधायक बीजापुर में परेड करते नजर आ रहे हैं, तमाम चीज़ें प्रदेश के सुरक्षा को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री का और सत्ताधर विधायक का लापरवाही दिख रहा है, इससे एक आम जनता को जिस तरह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एक सुरक्षा को मजाक बना जो रखा गया है, अगर ये जिम्मेदार या फिर गृह मंत्री होंगे या फिर विधायक होंगे, एक मजाक बना के प्रदेश। जगदलपुर के बस्तर में NMDC स्टील प्लांट प्रबंधक के महिलाओं को नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में एक बार फिर प्रभावित महिलाएं आंदोलन की राह में हैं। NMDC स्टील प्लांट के पास आज से प्रभावित महिलाएं हड़ताल करेंगी। पत्रकार भवन में प्रभावित महिलाओं ने आंदोलन की जानकारी देते हुए NMDC प्रबंधन पर भू प्रभावित महिलाओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बता दें कि भू प्रभावित लगभग 90 से अधिक महिलाओं ने NMDC के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब महिला आयोग ने 71 महिलाओं को नौकरी देने के निर्देश NMDC प्रबंधन को दिया था। छत्तीसगढ़ में झुलसाती गर्मी ने हर किसी को परेशान कर दिया। प्रदेश में तापमान की बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि रायगढ़ कल का सबसे गर्म जिला रहा। रायगढ़ का तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है। रायगढ़ के अलावा अन्य सभी जिलों का भी गर्मी का ही ऐसा हाल देखा गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 600 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लगभग 6000 सैंपलों की जांच करने पर 619 नए मरीज मिले, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 3000 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर अब 9.37% हो गई है। बता दें कि राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 83 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कोरोना के मरीज मिले हैं। जगदलपुर में ककाकप नाम से राज्य स्तरीय रात्रिकालीन टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजन किया गया, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से किया जा रहा है। बता दें उन्हें प्रदेश में कका के रूप में जाना जाता है। इस टूर्नामेंट में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि क्वाइन के माध्यम से टॉस करके फिर फ्रेंडली मैच खेला गया, जबकि आंधी तूफान के कारण मैच स्कोर रद्द करते हुए ब्रो घोषित कर दिया गया। उसी के नाम से हमारा पार्षद ने पाठक भाई ने माननीय भूपेश बघेल के काका का नाम से जो खेल आयोजन किया है, और इसमें 1,51,000, 75,000, 22,000, 21,000 रुपये का इनाम रखा है। हर शहर के नगर पालिका के जगदलपुर शहर के लोगों को गौरव की बात है, और पार्षद लोगों को, पत्रकार लोग खेल रहे हैं, उनको सबको बधाई देता हूँ। अच्छा खेले, लगातार बढ़ रहा है और हम सबका प्रयास है, हमारी सरकार के मुखिया का प्रयास है, हमारे प्रभारी मंत्री जी का प्रयास है कि जो हमारी योग्यताएं हैं खिलाड़ियों की, उनको आगे आने का अवसर मिले, और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज का जो मैच है, इस मैच में पत्रकार 11 और पार्षद 11 के बीच हो रहा है। दोनों टीम को शुभकामनाएं हम लोग की ओर से, अच्छा खेलें और हमारे आने।
जगदलपुर में तोकापाल स्टेट बैंक के सामने ट्रेलर और ट्रक की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक दंतेवाड़ा जा रहा था और ट्रेलर जो है वाहन बरंगा जा रहा था। इसी बीच स्टेट बैंक के पास ये हादसा हो गया। टक्कर में ट्रेलर चालक स्टीयरिंग में ही फंसा रहा, जिसे पुलिस ने बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि चालक नशे में है। वहीं हादसे के बाद NH-63 जाम हो गया, जिससे बहाल करने में पुलिस लगी हुई है। रायपुर में मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के राशि अंतरण को लेकर बयान दिया और कहा कि हितग्राहियों की राशि का अंतरण किया गया। आदिवासी परब और छत्तीसगढ़ परब योजना की राशि भी जारी की गई। उन्होंने कहा कि पहली बार तीज त्योहारों के लिए सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। वही ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कहा कि गर्मी के दिनों में लोग घूमने जाते हैं, ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है, रेल मंत्री को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कहा कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मौका नहीं मिला, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मॉडल पूरे देश भर में चर्चा में है। बनाया अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते थे, है ना। पहले जो स्टार प्रचारक हम लोगों का नंबर पहले ऊपर में रहता था, हम लोग अभी नीचे में, मतलब ये कोई बात है क्या? 40 में ही सीमित रखना पड़ेगा भाई, और यदि दो फेज होता तो फिर वो और जारी होता। ठीक है, पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग जहाँ आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ड्यूटी लगाते हैं। पहले अब जैसे हम सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था हिमाचल में, इसमें मैंने जगदलपुर में मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता तुसेल और जाटम ग्राम पंचायत के कोरपाल और डोगाम पारा पहुंचे, जहां ग्रामीणों के बीच जन चौपाल लगाया गया और लोगों की समस्याएं सुनी गईं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ग्रामीण ब्लॉक में प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने मौलिक अधिकारों और विकास की आवश्यकता से वंचित है। शहर के पास टॉर्च जलाकर भी देखने से भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय का विकास क्यों नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता अपने अधिकार को समझे और अपनी ताकत को भी राजनीति से उठकर बस्तर विकास की सबसे प्रमुख ध्येय होना चाहिए। लेकर जनसंवाद किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों से वार्ता भी की जा रही है। जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस की सरकार क्षेत्रीय विधायक अपनी होर्डिंगों में विकास के आंकड़ों को दर्शाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब गांव में जाकर लोगों से बातचीत की जा रही है तो सच दूसरा ही निकल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाते हुए त्रस्त और क्षेत्रीय विधायक मात्र मीडिया कवरेज दिखाने में मस्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आगजनी की घटना सामने आई, जहां थाना के बगल में बने खेत में कटाई के बाद बचे झाड़ और कचरे को साफ करने के लिए किसान ने आग लगाई थी, लेकिन वो आग थाने के पास बिल्डिंग के बगल में खड़ी जब्त बाइक और जब्त हुई चार चक्के गाड़ियों में लग गई। सूचना मिलते ही SIC और सभी आरक्षक मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद थाना स्टाफ की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और आंधी तूफान चलने के कारण सूखी झाड़ की पत्तियां उड़ते हुए थाना के पीछे रखे गाड़ियां और अन्य सामान पर पहुंच गई। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।